विक्टर्स मांग रहे थे तुम बहुत टाइम से, लो जी ले आए। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, उस पे भी काफी सारे सवाल आए, उन सबको भी आगे कवर करेंगे। तब तक जाकर के फॉलो कर लेना, वो जरूरी है यार। बॉक्स देख लो भाई, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक। ये अपना लैपटॉप और कागज, एक आती है अपने पास पावर कॉर्ड नॉर्मल वाले प्लग के साथ, एक अपना अडैप्टर, ज्यादा बड़ा और हैवी नहीं है, मोबाइल जितना साइज है, 150 वॉट्स का है ये लैपटॉप। बिल्कुल ऐसे खुलता है भाई, तरीके से प्रोटेक्शन पूरी है भाई। तो नजर मार लो भाई, देख लो कैसी अपनी लैपटॉप की लुक्स, काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई देखने से। वैसे जो पहले वेरिएंट आता था ना इसका लास्ट ईयर, वही सेम वेरिएंट है, कोई ज्यादा डिफरेंस किया नहीं है उन्होंने, पर ठीक है बढ़िया ही था वो भी। तो बीच में विक्टर्स का लोगो मिलता है हमें, बिल्कुल मिरर फिनिश के साथ आता है, नीचे यहाँ पर विक्टर्स की ब्रांडिंग, और पीछे मिलता है हमें पूरे एग्जॉस्ट वेंट, यहीं से आएगी सारी गरम गरम हवा हीटर वाली। और यहाँ कोने मिलेगा भाई डिजाइन एंड इंजीनियर बाय एचपी, एचपी की और कहीं ब्रांडिंग है नहीं इसके अलावा। और पीछे हमें सारे वेंट्स मिलते हैं इसके, ये वाली रबर ग्रिप मिलती है जिससे नीचे रखने पर ये थोड़ा सा उठा उठा रहता है, तो टेबल पे रखने से एयर इंटेक सही हो जाएगा। बाकी दो डाउन फायरिंग स्पीकर भी हमें यहीं पे मिलते हैं, और पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आता है ये। और इसकी जो लुक है ना वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगती है, मतलब इनके अगर तुम्हें गेमिंग लुक नहीं चाहिए ना तो वो चीज इसमें है, गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी ज्यादा गेमिंग लुक नहीं है इसकी, तो दोनों काम करता है। बाकी बॉडी इसकी पूरी पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है और प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है। बाकी हिंज की बात करें तो हिंज इसका स्टेबल है, एक हाथ से ओपन भी हो जाता है आराम से, थोड़ा सा हल्का सा लिफ्ट होता है बट स्टेबल है, ओपन हो जाता है आराम से। एंड फ्लेक्स की बात करें तो हल्का फुल्का फ्लेक्स हमें अपर लिड मिलता है, जितना एक पॉलीकार्बोनेट बिल से तुम एक्सपेक्ट करोगे। बाकी कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर है बिल्कुल भाई, मुझे तो फील भी नहीं हुआ इतना ज्यादा, बट हाँ वोबल करती है इसकी डिस्प्ले, तो देख सकते हो हल्का फुल्का वोबलिंग की दिक्कत यहाँ पर हमें मिलती है, बट पहले से मुझे कंपैरेटिवली कम लग रही है। जितना हमारा आईडियापैड गेमिंग 3 वोबल करता है ना उतना ही लगा लो ऑलमोस्ट, अगर यूज करते हो तो नहीं हिलेगी, ऐसे ऐसे हिलाओगे तो हिल सकती है डिस्प्ले। और वेट देखे तो 2.2 केजी के आसपास का इसका वेट है, फुल फ्लेज्ड गेमिंग लैपटॉप ज्यादातर 2.5 किलो के होते हैं, तो उनसे कंपैरेटिवली हल्का है। और वैसे भी अगर तुम इसे हाथ में पकड़ के यूज करते हो ना तो स्लिम लगता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। स्पेसिफिकेशन देखे तो प्रोसेसर है हमारे पास राइजन 5 7535HS, 6 Core 12 Threads के साथ, ग्राफिक कार्ड हमारे पास 4GB का RTX 2050 50W TGP के साथ, इसमें एक 3050 वाला वेरियंट भी आता है राइजन 7 7840HS के साथ, और उसका रिव्यू काफी ज्यादा डिमांडेड है, कमेंट में बहुत मांग रहे थे तुम, तो वो ना अभी अरेंज नहीं हो पाया, ये वाला हो गया इसलिए पहले इसका ले आया, वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसका रिव्यू भी जल्द आएगा। अब यार तुमने कही है तो देखो पूरी हम करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपडेटेड रहोगे। बाकी हमने i5 12th gen वाला वेरिएंट इसका रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, तो उसका रिव्यू भी देखना चाहो तो देख सकते हो इस वीडियो के बाद। रैम है इसके अंदर 8GB की DDR5 4800MHz की सिंगल चैनल रैम, HP बोलता है कि भाई 16GB तक अपग्रेड हो जाएगी, बट जितना मेरा मानना है 32GB तक इसे अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि रैम के दो स्लॉट है हमारे पास और ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप 32GB तक सपोर्ट करते हैं, पर मैं श्योरिटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कहीं मेंशन नहीं था, तो वो एक बार भाई जब अपग्रेड करने जाओ तो एक बार चेक करवा लेना। स्टोरेज हमारे पास 512GB की Gen 4 SSD, रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो बिल्कुल Gen 4 के हिसाब से मैक्स आउट मिलती है, और ये भी अपग्रेडेबल है, बट मैक्सिमम कितनी हो जाएगी उसका कहीं पर भी मेंशन था नहीं, ना ही एक्स्ट्रा स्लॉट कहीं पर मेंशन था, तो ये भी कंफर्म करना पड़ेगा यार जब अपग्रेड करने जाओगे तो, क्या करे ब्रांड कहीं मेंशन ही नहीं करता और खोल हम सकते नहीं। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3। वैसे इसको देख के ना ऐसे खरीदने का मन तो कर ही जाता है, पर अगर तुम दिल्ली नोएडा या गाजियाबाद से हो तो एक बेस्ट जगह बताता हूँ, तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन, वहां पर तुम्हें गेमिंग नॉन गेमिंग प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप खरीदना हो, और ऑलमोस्ट हर ब्रांड उनके पास अवेलेबल है, तो मतलब भरपूर वैरायटी पूरी है। बाकी फाइनेंशियल फैसिलिटी भी अवेलेबल है और किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो, तो डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना, भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। पोर्ट्स देखें, अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। राइट साइड पे हमारे पास एक HDMI 2.1 का पोर्ट, एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट और एक अपना Type-C 3.2 Gen 1 वाला, और Type-C से डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्टेड है, फाइल ट्रांसफर तो है ही, बाकी पावर डिलीवरी वगैरह का सपोर्ट है यानी वो मेंशन नहीं था कहीं पे। Type-C वाले पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट IGBU से आता है और HDMI वाले पोर्ट से अपने डेडिकेटेड GPU से आएगा, और 4K 60 तक आराम से आउटपुट मिल जाता है। बाकी इंटीरियर भी इसका बिल्कुल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है और ग्रे फिनिश में आता है, काफी ज्यादा सही लगता है। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ स्टिकर्स है और ब्रांडिंग वगैरह छाप रखी है बढ़िया बढ़िया, विक्टर्स और बैंग एंड ओलफसन की। सेंटर में मिलता है हमें टच पैड और काफी ज्यादा बड़ा बड़ा टच पैड है भाई, और फुली टच है एंड क्वालिटी बहुत ही सही है यार, एक सॉफ्ट टच वाली फीलिंग देता है, मतलब बिल्कुल ऐसे खटखट वाला हिसाब किताब नहीं है, प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर टच पैड के नीचे हमें एक लिड ओपन करने के लिए जगह भी दे रखी है या फिर ऐसे थंब वगैरह रेस्ट करने के लिए, तो ये भी एक अच्छी चीज है। बाकी मुझे इसका कीबोर्ड भी बहुत ही सही लगता है यार, टाइपिंग बहुत प्यारी होती है, टेक्टाइल है बट सॉफ्ट वाला टेक्टाइल है, खटखट नहीं करता, ये भी बिल्कुल एकदम ऐसे साइलेंट टाइप का कीबोर्ड है, तो अगर टाइप वाइपिंग करते हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग वगैरह जैसे काम करने हैं तो बढ़िया है, उसमें भी कीबोर्ड एक्सपीरियंस तुम्हारा सही रहेगा। बाकी फंक्शन की इस पर काफी सारे शॉर्टकट
शॉर्टकट्स अवेलेबल है और पावर बटन भी कीबोर्ड के बीच में ही दे रखा है, तो अगर गलती से हाथ लग जाए तो बंद होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसको हमें प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है जब लैपटॉप बंद होता है। बाकी कीबोर्ड के ऊपर ऐसे पैटर्न से बने हुए हैं, ये भी छेद है, पहले मुझे लगा स्पीकर है लेकिन नहीं भाई, ये एयर इनटेक और एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए है। और कीबोर्ड में हमारे पास ना सिंगल व्हाइट बैकलिट आती है और सिंगल लेवल ब्राइटनेस है भाई, ये सिर्फ जलती है और बंद हो जाती है, मल्टीपल लेवल नहीं है। और कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं मिलता हमें, गेमिंग लैपटॉप में वैसे भी नहीं आता। देन आती है अपनी डिस्प्ले, और इस लैपटॉप में है भाई 15.6 इंचेस की 1080p FHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड के रिस्पांस टाइम के साथ, और 250 निट्स की ब्राइटनेस आती है, अलोंग विद 45% NTSC का कलर गैमेट। तो वही नॉर्मल वाली डिस्प्ले है जो जनरली आती है बजट गेमिंग लैपटॉप्स में। क्वालिटी वाइज अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगेगी तुम्हें, कलर्स वगैरह सही है कंटेंट कंजम्पशन करते हो तो, बट कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं कर पाएंगे हम इसमें, क्योंकि उसके लिए 100% चाहिए होती है sRGB, और इसमें है 62.5%, 45% NTSC है ना। बाकी नॉर्मल काम करते हो तो उस हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया लगेगी तुम्हें, इतने रिव्यूज देखते हो अब तक तो पता चल ही गया होगा, नहीं देखते तो देखना शुरू करो सब्सक्राइब करके करो फटाफट। वेबकैम है इसके अंदर 720p वाला, ये इसकी वेब कैमरा क्वालिटी, माइक भी इसी का यूज हो रहा है भाई, लग तो बढ़िया रही है क्वालिटी, जैसे भी मतलब 720p के हिसाब से मेरे को तो बढ़िया लगी, तो देखो बता देना कमेंट में, और मजा आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाओ। अब बैंग एंड ओलफसन के स्पीकर्स हैं तो चेक करना तो बनता है। गाना बता। तो स्पीकर्स भाई लाउड है डेफिनेटली, मजा आएगा तुम्हें, बट हाँ उतने ज्यादा तगड़ी क्वालिटी के भी नहीं है जितना तुम एक्सपेक्ट करोगे, एवरेज से तो अबव है नो डाउट, बट बेस नहीं आती, वो डिसेंट सी है, वो लैपटॉप में जैसी आती है। तो ये अपना ओमन गेमिंग हब का सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सारे स्टैट्स वगैरह काफी सारी चीजें दिखा रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम वाइटल्स आ जाता है, एडवांस व्यू के अंदर आओगे तो ये सारे स्टैट्स डिटेल में दिखा देगा, एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपने डिवाइस की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, तो इसको ऑटो पे ऑफ पे या फिर अपने हिसाब से कस्टम पे भी सेट कर सकते हो। परफॉर्मेंस कंट्रोल के अंदर हमें सारे मोड्स मिलते हैं और फैन स्पीड एडजस्ट हो जाएगी, एंड मक स्विच भी नहीं है, सारे गेम शो हो जाएंगे तुम्हारे, अगर RGB कीबोर्ड है तो उसके लिए काम आता है। बाकी यहाँ पर हमारे लैपटॉप के सारे स्टैट्स तो दिखाई देता है, और 4 सेल वाली 70 वॉट आवर्स की बैटरी दी है इसके अंदर, तो बैटरी कैपेसिटी भाई डेफिनेटली बढ़ा दी है, पहले 50-60 वॉट आवर देते थे ये लोग, तो बैकअप भी तुम्हें अच्छा मिलेगा, 3-4 घंटे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैंने जितना यूज किया इसे बैटरी सेवर ऑन करके इको मोड पे चला के कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके और ब्राइटनेस को 50-60% रखा था, और हल्के फुल्के काम करोगे तो ही इतना बैकअप मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 4 घंटे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, और गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से अगर हमें इतना भी मिल रहा है ना तो मोर देन इनफ है, नहीं देते ये लोग बैकअप भाई बाकी तुम्हारी यूसेज पर डिपेंड करेगा। अब अगर इसकी ताकत देखी जाए तो परफॉर्मेंस के लिए मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, सिनेबेंच R23, गीकबेंच 6, क्रॉसमार्क, 3DMark टाइम स्पाई और PCMark 10। तो यार प्रोसेसर में तो दम है भाई, और अगर i5 12450H से कंपेयर करें तो वो इससे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है अगर बेंचमार्क्स की बात करें, पर प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से इतना ज्यादा डिफरेंस तुम्हें फील नहीं होगा। अब ये क्योंकि HS सीरीज है इसीलिए डिफरेंस है, अगर ये HX होता तो फिर ये महंगा भी हो जाता और बढ़िया भी हो जाता, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम प्रोडक्टिविटी करते हो ना फोटो एडिटिंग में तुम किसी भी लेवल की कर सकते हो भाई, 4K कैसी भी बढ़िया लेवल तक, फोटोशॉप में कुछ भी करो, वीडियो एडिटिंग में तुम 4K 60 तक भी आराम से एडिटिंग कर लोगे, मैंने अपनी फुटेज एडिटिंग करके देखी थी प्रीमियर प्रो में, तो यूट्यूब लेवल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर और भी ज्यादा हाई लेवल जाना चाह रहे हो ना 4K 60 के अंदर, तुम भाई एनिमेशन घुसाना चाह रहे हो और भाई मल्टी लेयर 10-15 लेयर की एडिटिंग चाह रहे हो, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि बजट लैपटॉप है तो सारी चीजें देख के होती है यार, अगर इतना ज्यादा हाई लेवल काम करना है तो i7 या Ryzen 7 की तरफ जाना, यूट्यूब लेवल तक तो डेफिनेटली तुम्हारी बढ़िया एडिटिंग करा देगा, और अगर कोई कॉलेज वॉलेज के लिए स्टूडेंट या फिर कोई ऑफिस पर्पस के लिए लेना चाह रहा है तो वो सारे काम भी इसमें बढ़िया चल जाएंगे, उसकी तो भाई कोई टेंशन लिया ही मत करो तुम, प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ भी हाई एंड कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड ग्राफिक ओरिएंटेड काम भी इसमें हम कर सकते हैं, मैं यही कहूंगा कि कॉलेज लेवल तक करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि 4GB का ग्राफिक कार्ड है प्लस RTX 2050 है और 50 वॉट वाला है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम अगर ग्राफिक इंटेंसिव काम करना चाह रहे हो, जैसे ब्लेंडर आर्किटेक्चर वाले या फिर कोई VFX वगैरह के काम करने हैं तुम्हें, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी डिसेंट लेवल तक ही हो पाएगा, ज्यादा हाई लेवल के ये वाले काम करने हैं तो मैं यही कहूंगा मिनिमम 6GB वाले ग्राफिक कार्ड प्रेफर करो, और ज्यादा बढ़िया जा सकते हो तो 4050 के लिए जाओ, मिनिमम रेकमेंडेड है। बाकी गेमिंग के लिए कुछ गेम टेस्ट करें वो भी देख लो। तो पहले हमने काउंटर स्ट्राइक 2 टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे और 100+ FPS आ रहे थे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज थे, यू समझ लो गर्मियों के अंदर भी अगर यूज करोगे तो 80-85 तक रहेगा टेम्परेचर, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकल रही है अपनी 2050 के हिसाब से भी, क्योंकि 40 वॉट्स तक GPU भाई टच हो रहा है आराम से। देन वेलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे और सिंगल चैनल रैम होते हुए भी हमें 170-180 FPS आ रहे थे, डुअल चैनल होती तो भाई 200 तक भी टच हो जाते हैं, जो कि RTX 2050 के हिसाब से मुझे काफी सही परफॉर्मेंस लगी, और हाई प्रीसेट पे चल रहे हैं सारे गेम, मतलब लैपटॉप में जान तो है भाई, और ये भी पता चल गया कि CPU भी पावरफुल है इसका। देन Far Cry 6 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे पूरी परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो यहाँ पर हमें 50 तक FPS मिल रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है, 2050 के हिसाब से सही आ रही है भाई।
परफॉर्मेंस। बाकी टेम्परेचर भी अपने किसी भी गेम में ज्यादा नहीं गए, फैन स्पीड मैंने फुल कर रखी थी, और अगर तुम फुल पर नहीं भी रखोगे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थर्मल्स ओवरऑल अपने लैपटॉप के अच्छे हैं ये कह सकते हैं। देन आरडीआर 2 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, और अल्ट्रा प्रीसेट पे हमें 40 FPS के आसपास मिल रहे थे। डेफिनेटली अगर लो प्रीसेट पे यूज करोगे तो 60+ भी मिल जाएंगे, तो स्मूथ गेम प्ले चल जाएगा नो डाउट। तो ट्रिपल ए टाइटल का कोई भी हैवी गेम तुम लो प्रीसेट पे तो आराम से खेल पाओगे, ये तो गारंटी है भाई। देन GTA टेस्ट किया, वेरी हाई प्रीसेट था, तो इसमें हमें 70-80 FPS मिल रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया है अगर सिंगल चैनल पे भी खेल रहे हम तो भी, क्योंकि डुअल चैनल रैम में तुम्हें आराम से 100 FPS देखने को मिल जाएंगे इस ग्राफिक कार्ड के साथ। और यही अगर 70 वोट वाला होता तो ये 100+ जा रहे होते, 50 वोट के हिसाब से भी ना एक फुल पावर फुल फ्लेजेड कह सकते हैं कि फीलिंग पूरी है। हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया भाई तुम्हारी डिमांड पे, लो प्रीसेट पे, तो यहाँ DLSS ऑफ करके और ऑन करके क्वालिटी पे रख कर देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आता है, 10-15 FPS डेफिनेटली बूस्ट होते हैं। और यही हाई प्रीसेट पे खेलोगे तो FPS हमारे कम हो जाएंगे, तो ये है कि भाई बहुत ज्यादा हैवी टाइटल अगर खेलने हैं ना तो वो लो प्रीसेट पे आराम से खेल पाएंगे, और ये वैसे भी बहुत ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव है लेकिन बढ़िया चल रहा है फिर भी। देन साइबरपंक टेस्ट किया पूरी ट्रिपल ए टाइटल वाली जान निकालने के लिए, और ये अल्ट्रा प्रीसेट पे किया है मैंने, DLSS ऑफ और ऑन करके देख सकते हो कि कितना फर्क मिलता है, तो पूरी हद जानने के लिए देख सकते हो कि 30 FPS तो ये साइबरपंक में निकाल रहा है जो कि सही है। तो सौम्य शर्मा ने पूछा कि टफ F15 11 जनरेशन 2050 या फिर LOQ या फिर अपना जो ये वाला विक्टस है ये, तो मैं देखना होगा कि तुम्हारा यूज क्या है, क्योंकि LOQ और टफ F15 दोनों के अंदर जो RTX 2050 आता है वो इससे बेटर है, क्योंकि उसकी TGP है 70 वॉट्स की और इसकी है 50 वॉट्स की, तो ग्राफिक परफॉर्मेंस और गेमिंग में वो दोनों ज्यादा बेटर है। और लोक इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें मक स्विच भी आता है टफ में, और इसमें मक स्विच नहीं आता। बाकी टफ के थर्मल्स इतना ज्यादा अच्छे नहीं लगे मेरे को, विक्टस के थर्मल ज्यादा अच्छे हैं, बाकी बिल्ड क्वालिटी टफ की अच्छी है। मैं यही कहूंगा कि विक्टस टफ से तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रोसेसर वाइज भी ये अच्छा रहेगा, लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है, आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी अगर ग्राफिक परफॉर्मेंस इतना ज्यादा मैटर नहीं करती तो, या फिर इसके 3050 वाले वेरिएंट के लिए जा सकते हो, क्योंकि टफ और इस वाले विक्टस का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। बाकी लोक इससे 10-15 हज़ार महंगा है, लोक का 2050 मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। AS Droz ने पूछा कि 1650 और 2050 इनमें से कौन सा अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है। देखो डेफिनेटली 2050 बेटर है, क्योंकि उसमें तुम्हें DLSS का थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं बट हल्का फुल्का मान लो, प्लस RTX वाला कार्ड है एंड लेटेस्ट जनरेशन है, और GTX 1650 अब आउट ऑफ डेट हो चुका है, तो आगे आने वाले गेम्स में भी 2050 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा कंपैरेटिवली 1650 का, फ्यूचर के हिसाब से 2050 ज्यादा सही रहेगा। हितार्थ भाई ने पूछा कि GTX 1650 Ti आज की डेट में सही है नहीं, देखो वैसे कोई दिक्कत नहीं है ग्राफिक कार्ड में, मेरे पुराने लैपटॉप में भी वही है, बट आज की डेट के हिसाब से मैं कहूंगा कि काइंड ऑफ ओल्ड हो चुका है वो, अब 1650 GTX सीरीज की तरफ मत जाना, अब सिर्फ RTX की तरफ फोकस करो। एक क्वेश्चन आया कि भाई फ्री का दोगे, मेरा ही नहीं है मैं कहां से दे दूं। बाकी अगर मेरा ओपिनियन मांगे तो यार 52,000 अभी इसका प्राइस चल रहा है, और 52,000 में इतना कुछ मिलना बहुत ही मुश्किल है, आज से पहले कुछ भी नहीं आता था और अब इतना कुछ आ रहा है भाई। सेम स्पेसिफिकेशन का IdeaPad Gaming 3 मिल रहा है, और खास कुछ बहुत ज्यादा उसमें दे भी नहीं रखा, ऑलमोस्ट सिमिलर से फीचर्स हैं, प्लस बैटरी कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, और इस बजट के अराउंड भाई मुझे नहीं लगता कि इतने सही फीचर और कोई लैपटॉप में आ रहे हैं, कोई आ रहा हो तो बता सकते हो कमेंट में। बाकी मैं डेफिनेटली इसे रेकमेंड करूंगा, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, और होपफुली तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। मजा आ गया तो लाइक मार के जाना, सब्सक्राइब भी कर दो, हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you find